नमस्कार, इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दो सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों से मानवीय अपील करते हुए कहा कि इस हड़ताल से आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। सीएम बघेल ने कहा कि आम जनता की परेशानियों को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील की है। इस अपील में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कहा कि हड़ताल में जाने के कारण लोगों को असुविधा हो रही है। उनकी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। कर्मचारी भी जनसुविधा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। पुरानी पेंशन योजना के अलावा कई अन्य योजनाएं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार ने जनहित में 2 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। राजधानी रायपुर में आगामी 10 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू कर दी है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में 10 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी तैयारी को लेकर प्रदेश संगठन के लोग कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा संगठन आगामी विधानसभा को लेकर अलर्ट मोड पर भी आ गया है। गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ में प्रदेश संगठन मंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के पदाधिकारी जमीनी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार व पार्टी को जीत दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी 9 तारीख को रायपुर आ रहे हैं और अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार रायपुर आ रहे हैं। आदरणीय नड्डा जी इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। और भारतीय जनता पार्टी कहने का अर्थ केवल राष्ट्र का पार्टी है, भारत का नहीं, पूरे दुनिया को एक दिशा देने वाली यह पार्टी है। और ऐसे दुनिया को दिशा देने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर आ रहे हैं और हमारे हर बूथ स्तर का कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता है, उनसे एक बार इंटरेक्ट होना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आज यहाँ पर विधानसभा स्तरीय बैठक थी। इस बैठक में हमारे संगठन महामंत्री भी आए थे, विधानसभा के प्रभारी आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी साथ में, महामंत्री साथ हैं। एक पूरी तैयारी और बूथ स्तर का कार्यकर्ता और उसके ऊपर के सारे कार्यकर्ता एक बार माननीय नड्डा जी से रूबरू हो सकें, इसलिए गंभीर बैठक है। और सारे कार्यकर्ताओं को हम ले जा करके उनको हमारे नड्डा जी के स्वागत की बड़ी तैयारी है। हमारे सभी कार्यकर्ता उनसे भेंट कर सकें, इसलिए यह हमारी तैयारी है। इसके अलावा और कुछ नहीं, हमारा संगठन का एक काम करने का एक तरीका है, उसी तरीका के यहाँ पर आज हम एक बार प्रदर्शन कर। दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड में शांति व्यवस्था बनाने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर में पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर आम नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। धमधा थाना प्रभारी की अगुवाई में नगर के बजरंग चौक में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पुलिस के आला अधिकारी व आम जनता सहित गणेश उत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। धमधा नगर में पैदल मार्च भी निकाला गया, जिसमें एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित सैकड़ों पुलिस अधिकारी कर्मी शामिल हुए। इस बैठक में एसपी ने गणेश उत्सव समिति के आयोजकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस को आम नागरिकों से मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाने पर जोर दिया। इस दौरान एसपी ने थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने और गांवों में पैदल मार्च कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। लोगों से पर्सनल संवाद नहीं करते हैं, जान पहचान नहीं हो पाती है, इसके साथ मिले हैं तो हम आपस में खुद पाए हैं। जब पर्सनल नंबर सबको देना चाहता हूँ तो व्हाट्सएप चलता है, कभी कोई शिकायत हो, कोई भी शिकायत ना भी। आम आदमी पार्टी ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार में वार्ड मोहल्ला सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के नगर अध्यक्ष जसप्रीत सिंह व जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस सभा में महिलाओं ने पार्टी के पदाधिकारियों को आवास सहित वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। आप पार्टी की खुर्सीपार क्षेत्र में वार्ड मोहल्ला सभा हुई, जिसमें पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पार्टी के नगर व जिला अध्यक्ष से गुहार लगाई। बीएसपी क्वार्टर में रह रही महिलाओं ने बताया कि बीएसपी का नगर सेवाएं विभाग आवास का किराया, बिजली व पानी के लाखों का बिल 6 महीने में भुगतान करने का दबाव डाल रहा है। साथ ही महिलाओं ने वार्ड में पसरी गंदगी व सीवरेज सिस्टम की समस्या भी बताई। आपके संगठन मंत्री रामपाल की माने तो आप पार्टी ही लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान कर सकती है।
बालोद जिले में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली किसान की बेटी 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाएगी। पिता के आवेदन के बाद छात्रा की आईक्यू लेवल टेस्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विशेष अनुमति दे दी है। बालोद जिले के ग्राम घुमका में सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले किसान की बेटी नरगिस शिक्षा की ज्योति से अपने सपनों को हकीकत में बदलने उड़ान भर रही है, जो वर्तमान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बालोद में कक्षा 7वीं की छात्रा है। छात्रा अपनी प्रतिभा के बल पर अब 7वीं के बाद सीधे 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाने जा रही है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने के बाद छात्रा खुशी महसूस कर रही है। मुझे जो परमिशन मिली है मैं उसे सुनकर बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं 10th क्लास में बैठ सकती हूँ, जो मेरा मेन मोटिव था। और इसके लिए मुझे बहुत सबने सपोर्ट किया, मैं उन सबको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन सब की। और मेरी पढ़ाई की जर्नी ये थी कि मैं 7 आवर्स डेली पढ़ती हूँ, और अब तो और अच्छे से पढ़ूंगी ताकि मैं 10th का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकूँ। हाँ, मेरे गांव से जो मेरा स्कूल तक का डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और मेरे पापा फार्मर हैं, वो टाइम निकाल के मुझे 9 बजे स्कूल छोड़ने जाते हैं। मेरा एम्बिशन फ्यूचर में ये है कि मैं UPSC टॉप करके IAS बनना चाहती हूँ, उसके बाद प्रमोट होकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर किसी के पास टैलेंट होता है, सबके पास सेम एक जैसा तो नहीं होता, बट जो भी टैलेंट है उसे छुपा के ना रखे, बताएंगे तभी होगा। मेरे सारे क्लासेस का रिजल्ट बहुत अच्छा था, मैंने सब क्लासेस में टॉप किए हैं 100% से। जीवन में शिक्षा की रोशनी बिखेरने और सपनों को पूरा करने छात्रा अपने पिता के साथ 10 किलोमीटर का सफर पूरा करती थी। छात्रा के पिता फिरोज की माने तो कोरोना काल में जब सभी स्कूलों में ताला लटक रहा था, तब उनकी बेटी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी। उसी दौरान उनकी बेटी ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने की इच्छा जताई। सबसे पहले तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी बेटी और मेरे लिए मेहनत किया है और सहयोग दिया है। आज मुझे माध्यमिक शिक्षा मंडल से उसे 10वीं में बैठने की जो परमिशन मिल गई है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार काफ़ी खुश हैं और मेरी बेटी भी काफ़ी खुश है। बेटी का सपना IAS बनने का है, उसे मैं पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, और अभी तक उसके जितने भी परिणाम रहे हैं 99% कुछ आगे ही रहे हैं, 100 बोल सकते हैं। और उसका लगन पढ़ाई में है, तो उसकी लगन को मैं पीछे नहीं, उसकी प्रतिभा को पीछे नहीं ले जाना चाहता, ना ही दबा के रखना चाहता हूँ। वो जो उसका सपना पूरा हो, बस यही मेरा लक्ष्य रहेगा। जब से कोरोना काल में नेट वगैरह का जो चला ऑनलाइन क्लास कर, उसमें वो देख देख के कहीं से सीखती गई, उसके बाद हमसे वो शेयर करती गई, हमने उसके बाद को तो पहले तो माइंड में नहीं लिया, फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ हमारी बेटी कुछ कर सकती है, तो फिर उसको उसके बाद हमने आगे की कार्रवाई जो प्रशासन स्तर पर होता है, वो पहले प्रिंसिपल मैम, DO, माध्यमिक शिक्षा मंडल, और मैंने सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि गवर्नर के पास भी मुझे आवेदन करना पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री को से भी मिलने में गुरु प्रवास भी थे, तो उनको भी मैंने एक लिखित में आवेदन और मौखिक भी बोला है, आवेदन मतलब मेरी मांग को जल्द से जल्द पूरी करे करके निवेदन किया था। ट्विन सिटी भिलाई में सार्वजनिक स्थलों के अलावा घरों में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी विराजित हुए हैं। सुबह से मूर्तिकारों के यहां गणेश प्रतिमा लाने का सिलसिला चलता रहा, साथ ही बाजारों में प्रतिमा खरीदारों की भी भीड़ देखी गई। गणेश उत्सव समिति के लोग ढोल ताशे व DJ की धुन के साथ पंडालों में श्री गणेश को विराजित किए। पंडालों, मंदिरों व घरों में शंखनाद के साथ गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष गूंजते रहे। इस्पात नगरी भिलाई में 11 दिवसीय श्री गणेश उत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी से हो गई है। इस बार खास बात यह है कि लोग जागरूकता का परिचय देते हुए अपने घरों और पंडालों में मिट्टी की श्री गणेश प्रतिमाओं को विराजित किए हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का सशक्त माध्यम बना हुआ है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी बुधवार को होने की वजह से सभी के लिए विशेष फलदायी रहेगी। ट्विन सिटी में कई जगहों पर भगवान श्री गणेश की आकर्षक व मनमोहक प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं, जहाँ सुबह से देर रात तक भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। भक्त भी भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर ट्विन सिटी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, साथ ही सभी जगहों पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप इंडियन न्यूज़।
यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, देखेंगे खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव शहर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मूर्तिकारों के यहां भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों को आकार दिया है। साथ ही गणेश उत्सव समितियों ने विशाल पंडाल बनाए हैं। 10 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्सव को भव्य बनाने समितियां झांकियों को आकार देने में भी जुटी हुई है। संस्कारधानी के रूप में विख्यात राजनांदगांव अंचल में गणेश उत्सव परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है, जहां जगह जगह आयोजन समितियों ने विशाल आकर्षक पंडाल सजाए हैं। बाजार क्षेत्र गोल बाजार से लेकर कामठी लाइन, हलवाई लाइन, गंज चौक, सदर बाजार, जयस्तंभ चौक सहित अन्य वार्डों के चौक चौराहों में भी गणेश प्रतिमाएं स्थापित हो रही है। भगवान गणेश के आकर्षक मूर्तियां दुकानों में भी बिक रही है। लोग बाजे गाजे के साथ मूर्तियां लेने पहुंच रहे हैं। मूर्तिकारों की माने तो कोरोना काल के बाद इस वर्ष भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हम लोग कलकत्ता से आते हैं और यहीं हम लोग बनाते, 4 महीने से काम करते हैं। और पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मतलब बड़ा मूर्ति बना नहीं पाए और लागू भी था 4 फीट तक, तो उतना ग्राहक का मतलब पूजा उतना नहीं हुआ, हम लोग का भी भखाड़ा में गया है। इस साल उससे अच्छा बेहतर परिस्थिति है, उस हिसाब से बड़ा मूर्ति बना पा रहे हैं, ऑर्डर भी आ रहा है। इस साल माहौल अच्छा भी है, छोटा मूर्ति का भी ग्राहक है इस साल अच्छा। कितने फीट तक की मूर्ति? इस साल हम लोग 7 फीट तक बनाए हैं। मूर्ति की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है क्या? मूर्ति का कीमत एक बार में बढ़ नहीं पाता, क्या है ना ग्राहक को भी संभालना पड़ता है, उस हिसाब से क्या है ना पिछले साल जैसे रेट दिए थे उस हिसाब से 100-200 बढ़ाते हैं, एक बार में बढ़ा नहीं पाते। बाकी सामान का रेट बहुत बढ़ा है लॉकडाउन के बाद से, तो हम लोग मूर्ति का रेट नहीं बढ़ा पाए। बाकी लेबर कम ला रहे हैं, अभी उधर से लेबर का भी रेट बढ़ा है, कम बना रहे और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मूर्ति महाराष्ट्र से भी आती है, मोहारा से भी लाए हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मूर्ति ला के अपन मूर्ति के ऊपर साज सज्जा डेकोरेटिंग, आजकल ग्राहकों की डिमांड के वजह से मतलब वजह नग वगैरह लगा के कपड़े वगैरह लेस वगैरह से वर्क करके मूर्ति को मतलब सजा के अपन बेचते हैं, वर्क करके बेचते हैं। हाँ, 2 साल से डिमांड कम थी, इस समय ग्राहकों का उमंग बढ़िया है, रेट वगैरह थोड़े से बढ़े हुए हैं इस समय, सामानों का भी रेट बढ़ा है, पेंट का भी रेट बढ़ा हुआ है, नग वगैरह का नग का भी रेट बढ़ा हुआ है, रेटों में सभी तेजी है सभी सामानों में। मूर्ति अपने पास 550 रुपये से लेके 5500 रुपये तक की मूर्तियाँ हैं। बेमेतरा अंचल में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां चौक चौराहों और घरों में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। बेमेतरा शहर और आसपास के गांवों में 11 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पियर चौक, सेरवा बांधा रोड, आत्मानंद स्कूल के सामने, बाजार पारत पिकरी सहित कई प्रमुख जगहों पर शुभ मुहूर्त पर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। भगवान गणेश के विराजने के बाद अंचल में चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है और शहर का माहौल गणेशमय हो गया है। भिलाई दुर्ग के सभी थाना क्षेत्र में होटल, लॉज व ढाबों की पुलिस टीम ने चेकिंग की। इस कार्यवाही के दौरान धर्मशाला और रैन बसेरा में भी दबिश की गई। पुलिस टीम ने होटल व लॉज में आगंतुक रजिस्टर खंगाला और आने जाने वालों की जानकारी ली। इसके साथ ही बिना पहचान पत्र के किसी को भी होटल में न ठहरने की चेतावनी दी।
दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने, असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर जिले भर के थाना चौकी प्रभारियों को होटल लॉज ढाबे की समय समय पर चेकिंग कर यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं कि हर हाल में होटल लॉज के संचालक आने जाने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखे। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में जिले के शहरी थाना चौकी की पुलिस ने होटलों, ढाबों व लॉज में जाकर चेकिंग किया। इस दौरान आवक जावक रजिस्टर खंगाले गए और होटल में आने जाने वालों की जानकारी भी हासिल की गई। पूरे जिले में एक साथ यह अभियान चलाया गया। संबंधित थाने के प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान को इलाके के CSP के दिशा निर्देश पर अंजाम दिया गया। साथ ही होटल लॉज संचालकों को हिदायत भी दी गई कि बिना ID प्रूफ चेक किए किसी को भी ठहरने ना दिया जाए। आज जिले भर के जितने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, लॉज, सराय सबकी चेकिंग कराई गई और वहाँ पर देखा गया कि उनके आईडी कार्ड रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, जो लोग आगे बाहर हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं कि नहीं, नक्काशी जो एग्जिट प्रूफ है कि नहीं, इमरजेंसी ड्रिल कराया गया, बॉम्ब ड्रिल कराया गया। उसी तारतम्य में होटल ऑफिस इंटरनेशनल में पत्रकारों के साथ एक संवाद भी रखा गया, जिसमें दुर्ग पुलिस में जो ये चल रही है, जो खामियां सजेशन वो आमंत्रित किए गए और पत्रकार बंधुओं की तरफ से काफ़ी सारे सुझाव आए जिसपे इसको अमल करने की हमारी आगे कोशिश हो रही है। एक तरफा प्यार में युवती का गला रेतने वाले आरोपी की पुलिस को 2 दिन से तलाश थी। उसका आज इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में शव मिला है और कुछ ही दूर पर उसकी बाइक भी पड़ी मिली। दरअसल एक तरफा प्यार में पागल मृतक बबलू ने 29 अगस्त को युवती के घर में घुसकर युवती का गला चाकू से रेत दिया था। फिलहाल युवती का खंडवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंदी पुलिस ने कोटवार बबलू पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस 2 दिन से उसकी तलाश कर रही थी। बांगरदा गाँव 3 तरफ से सागर बांध के बैकवाटर से घिरा हुआ है। जब बबलू बाइक से भागा तो लोगों ने उसे बैकवाटर तरफ बाइक से जाता हुआ देखा। इसके चलते पुलिस को भी लग रहा था कि वह इस ओर गया है। 2 दिन बाद ग्राम बंजारी के पास उसका शव बैकवाटर में ही मिला। फिलहाल युवती की हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले थाना मुंदी क्षेत्र के गांव में एक लड़की का गला चाकू से, शार्प हथियार से रेतने की कोशिश एक आरोपी द्वारा की गई थी। उस आरोपी का नाम बबलू हुआ था। हम लोग उस दिन से ही लगातार उसकी तलाश में थे। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी बॉडी जो अपना डैम हो उसके बैकवाटर्स में उसकी मिली है और प्राइमा फेसी अभी वो आत्महत्या लग रहा है, लेकिन अब पूरी स्थितियाँ जो होंगी वो PM के बाद ही उसमें कन्फर्म हो पाएंगी। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के कोपेहबरी गांव में बच्ची की मौत तालाब में डूबने से हो गई। ग्रामीणों व मछुआरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्ची के शव को ढूंढ निकाला। थान खमरिया तहसील के सीमावर्ती गांव कोपेडबरी में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मछुआरों की मदद से खोजबीन की गई। 4 घंटे की खोजबीन के बाद बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सुपुर्द किया। आसपास मौजूद लोगों की माने तो बच्ची पैर में लगे कीचड़ को तालाब में धो रही थी, तब पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। बस्तर संभाग के सूरजपुर जिले के सेप्टिक टैंक में काम कर रहे मजदूरों की मौत हो गई। रामानुजनगर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा जिले के रामानुज थाना क्षेत्र के एक गांव में निर्माणाधीन एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सफाई के दौरान जहरीले गैस के रिसाव से दम घुटने से मजदूरों की मौत हुई होगी। पुलिस सूत्र की माने तो मकान मालिक अपने घर के सेप्टिक टैंक को बिना किसी सुरक्षा के सफाई करा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।